दोस्तों आज हम आपको स्प्रे पेंटिंग मशीन आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप काफी बढ़िया मशीन है ये। ये हमने 2014 से जब बिल्ड स्कूल शो कर काफी अच्छा है, यानी कि हम लोग स्टार्ट किया यूज करने का। अब इस मशीन से घर का वॉल डिस्टम्पर वगैरह का पेंट भी, वॉल का पेंट भी, चूना भी लगा सकते हो, वाटर पेंट या प्राइमर कुछ भी लगा सकते हैं, कोई कलर। काफ़ी अच्छा मशीन है, हीट वगैरह कुछ नहीं होता है, पॉलम तो नहीं दिया। दोस्तों हम भी रिकमेंड करते हैं कि अभी ये सही मशीन यूज करें पेंटिंग के लिए। कंप्रेसर आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्रेसर मशीन भरा होगा कि आपको लाइट वेट अच्छा लास्टिंग वाला ये मशीन बहुत अच्छा है। रिजल्ट इसका ज़्यादा दाम नहीं पड़ता है और काफ़ी तो हैंड वाला ही मशीन आता है, 600-700 में मिल जाता है, तो भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर उसमें प्रेशर करते हैं तो उसको आप ये मशीन रिकमेंड कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अब ये इसका पेंट खत्म हो गया, हम इसको रिफिल करने वाले हैं। तो इस तरह ढक्कन खोल ले, ये कुछ बट्टा निकल गया लोटा टाइप का। ये जब मैं आपको हल्का सा तेल डाल देना है, बस थिनर भी डाल सकते हैं, केरोसिन नहीं तो केरोसिन डाल सकते हैं। और इसके बाद में प्राइमर या रंग आपका जो भी है लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप खोल के इसमें कम से कम फूल नहीं डालना आपको, आधा आधा ऐसे डाल लेना होगा, पतला टाइप का इतना काफी होगा। हाथ पुछ ले इस बार लगा, इसको होगा गाढ़ा हो गया क्या, और गाढ़ा तेल डाल दिया ज़्यादा पतला करने से गिरने लगे। नहीं ठीक, इतने तरह से गिरा दे। वैसे टाइट करना भी है बहुत सिंपल है, जैसे पानी का बोतल टाइट करते हैं उसे टाइट करना बस। कैमरा में चीज के रिवार्ड दे अंदर लेते हैं, हम बात करते हैं।